right, all right, all right. Okay. इस वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और इस बेल आइकन को हिट करें रेगुलर अपडेट्स के लिए। हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। और मेरा नाम है हिमानी, मेरे चैनल का नाम है फर्स्ट कम्स माय बेबी। तो इस चैनल के थ्रू आई एम गोइंग टू ट्राई टू डिस्कस एंड शेयर एवरी प्रॉब्लम दैट आई हैव फेस्ड विद इन द पीरियड ऑफ 0 to 6 months, क्योंकि मेरी बेबी अब 6 months की हो गई है। उसके साथ मेरे को बहुत प्रॉब्लम्स हुई और मैंने उसको यू नो सॉर्ट आउट किया। तो गाइज, ये प्लेटफॉर्म जो है दैट इज़ वेरी गुड, क्योंकि मैं इसके थ्रू आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकती हूँ अपनी प्रॉब्लम्स और अपने एक्सपीरियंसेस, सो दैट इट कैन ऑल्सो हेल्प यू द सेम वे इट हेल्प्ड मी। तो गाइज, इस चैनल पे आज जो मैं लेके आ रही हूँ दैट इज़ द कंटिन्यूएशन पार्ट ऑफ द फर्स्ट वीडियो दैट आई हैव मेड कुछ दिन पहले। दैट वॉज अ मिथ बस्टर वीडियो, उसमें मैंने काफ़ी सारे मिथ को बर्स्ट आउट किया था, आप लोगों के सामने सच्चाई लेके आई थी मैं। होप यू हैव वॉच्ड दैट वीडियो, अगर नहीं देखी तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट देन कम टू दिस वीडियो, जो कि अगैन गोइंग टू बी अ मिथ बस्टर वीडियो, क्योंकि इसमें मैं बनाने वाली हूँ, आप बताने वाली हूँ 5 मिथ को जो कि सच्चाई नहीं है। तो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। जो हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा शहद चटाना। गाइज, ये बहुत ही ज़्यादा यू नो बहुत ओल्ड एज कस्टम है जिसमें न्यू बॉर्न बेबीज़ को शहद चटाने को फोर्स किया जाता है। फोर्स इन द सेंस कि आजकल के जो न्यू पेरेंट्स होते हैं, मॉडर्न पेरेंट्स होते हैं, वो नहीं मानते इस चीज़ को। स्टिल जो ट्रेडिशनल पेरेंट्स होते हैं वो बोलते हैं कि शहद चटाना चाहिए। गाइज, शहद आफ्टर 6 month इज़ गुड, बट बिफोर 6 month, दैट मीन्स 0 to 6 month इज़ अवॉइडेबल, मतलब उसको आप जितना अवॉइड करेंगे उतना अच्छा है। कई लोग छठी होती है, कोई फंक्शंस होते हैं उसमें ट्राई करते हैं बेबी को शहद चटाना, बुआएं चटाती हैं, किसी के घर में मौसी चटाती है। तो गाइज, ठीक है, दीज आर ऑल कस्टम्स, यू हैव टू फॉलो दैट। इसका मतलब ये नहीं है कि आई एम नॉट सेइंग कि फॉलो मत करो कस्टम्स। शहद चटाना इन द सेंस कि हल्का सा शगुन कर दो, टच भी मत कराओ, बट नेक ज़रूर दो बुआ को, डेफिनेटली। आई एम नॉट सेइंग नेक मत दो, मत दो, उससे मत बचिए आप, डेफिनेटली यू हैव टू गिव द नेक ऑल्सो, बट शहद चटाने का सिर्फ शगुन कर दीजिए, क्योंकि ये ओल्ड एज कस्टम है, यू कैन नॉट ब्रेक इट आउट लाइक दैट। बट शहद चटाना इसलिए अवॉइड करना चाहिए बिकॉज शहद में इम्प्योरिटीज़ होती हैं, खास करके आजकल के ज़माने में जहाँ पे हर चीज़ में एडल्ट्रेशन है। तो गाइस, शहद बहुत ज़्यादा आजकल केमिकल वाला आने लग गया है। अगर आप अपने बेबी को शहद देते हैं, खासकर जो कंपनीज ब्रांड्स आजकल आ रहे हैं उनका भी इवन स्टिल उसके पेट में इन्फेक्शन जा रहा है, जो कि अभी आपको पता है उस बेबी का डाइजेस्टिव सिस्टम कितना ज़्यादा इमेच्योर है राइट नाउ, वो डेवलपिंग स्टेज में है। अगर शहद चटाते हैं आप लोग तो उसको इन्फेक्शन हो जाएगा, उसके छोटे से टमी में यू नो शहद नहीं पच पाएगा। तो गाइज, अवॉइड दिस शहद चटाना, दिस इज़ द फर्स्ट मिथ आई वॉन्ट टू बर्स्ट आउट। और आप बिल्कुल मत चटाइए न्यू बॉर्न बेबी को, खासकर शहद अवॉइड करिए जितना हो सकता है। सेकेंड टॉपिक है वो है, सेकेंड पॉइंट है आई वॉन्ट टू से, वो है नाक में और कान में बेबी के ऑयल डाल देते हैं। खासकर जो मालिश वालीज होती हैं वो क्या करती हैं, इवन ब्रेस्ट मिल्क जो बेबी मदर का जो मिल्क होता है उसको भी वो लोग कान और नाक में डालते हैं, कहते हैं कि इससे क्लियर हो जाएगा उसका जितनी भी नलियाँ होंगी नाक और कान की। बट दैट इज़ नॉट ट्रू, दैट इज़ वेरी वेरी यू नो हार्मफुल टू द बेबीज, क्योंकि नॉर्मल भी अगर आप तेल का कहीं खुला छोड़ दीजिए उसमें आप देखेंगे कितने ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स चिपक जाते हैं। आप एक कटोरी में छोटा सा थोड़ा सा तेल छोड़ के देखिए एंड थोड़ी देर बाद जब आप पाएंगे उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज और एंड डस्ट पार्टिकल्स, आपको इवन अपनी नेकेड आई से उस वो सब दिखाई दे जाएगा। एक आधा तो इंसेक्ट भी चिपक जाता है तेल में, इफ़ यू हैव सीन इट एनीवेयर। तो गाइज, ये हाईली अवॉइड करना चाहिए बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है छोटे से बेबी के लिए। कानों और नाक में बिल्कुल भी तेल नहीं डालना चाहिए। अलग मैं वीडियो बनाऊंगी हाउ टू क्लियर या हाउ टू क्लीन नोज एंड ईयर ऑफ अ बेबी, बट तेल मत डालिए। अगर कोई आपके फैमिली में डाल रहा है उनको भी मना करिए कि नहीं, प्लीज़ डोंट डू दिस प्रोसेस, क्योंकि ये जो प्रोसेस है इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द बेबी। कानों में बैक्टीरिया चला जाएगा, बैक्टीरिया से फिर इन्फेक्शन हो जाएगी और इन्फेक्शन से बच्चों को बहुत प्रॉब्लम, बता तो सकते नहीं है, वो लोग रोएंगे और रोने का आपको रीज़न समझ नहीं आएगा। तो गाइज, प्लीज़ कान में और नाक में तेल मत डालिए। दिस इज़ द सेकेंड पॉइंट विच आई वॉन्ट टू क्लियर विद यू ऑल कि ये मिथ है, इसको बिल्कुल भी आप फॉलो मत करिए, इवन डॉक्टर्स मना करते हैं। तो नेक्स्ट कम टू द थर्ड पॉइंट हमारा है पानी पिलाना।
जाता है कि अरे गर्मियों के दिन है, सूरज निकल रखा है, हमारा भी बच्चा छोटा है, इसको चलो हम लोग थोड़ा सा पानी मुंह में डाल देते हैं। बट गाइस ये भी मना किया जाता है क्योंकि ऑलरेडी आप लोग ब्रेस्ट मिल्क दे रहे हैं। अगर कोई ब्रेस्ट मिल्क किसी रीजन से नहीं दे रहा है, स्टिल यू आर गिविंग फॉर्मूला मिल्क या टॉप फीड दे रहे हैं, स्टिल यू आर गिविंग वाटर, क्योंकि उसमें एटलीस्ट 90% पानी होता है, तो ऑलरेडी ही इज इन टेकिंग वाटर इनडायरेक्ट वे में। तो गाइज अगर आप ऊपर से पानी पिला देते हैं तो आप लोग नहीं कर सकते ये स्ट्रिक्टली डॉक्टर्स मना करते हैं पानी पिलाना बिफोर 6 मंथ। पानी हमेशा सॉलिड्स के साथ स्टार्ट करना चाहिए। जब बेबी का सॉलिड स्टार्ट होता है उसके पैरेलल में फिर पानी चलना चाहिए, उससे पहले नो नो फॉर वाटर। गाइस क्या होता है कि पानी जो अगर हम लोग पिलाएंगे उसको खांसी भी उठ सकती है, उसको यू नो चेस्ट में कंजक्शंस हो सकते हैं, कफ डिपॉजिट हो सकता है, बहुत सारे रीजंस हैं पानी पिलाने के, सो अवॉइड दैट। ऑलरेडी उसके बॉडी में पानी बहुत है, पानी की मात्रा काफ़ी है जो कि इनडायरेक्ट वे में ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू जा रही है, सो अवॉइड दैट। अगेन आई वॉन्ट टू से जो ये थर्ड पॉइंट था मेरा, ये बिल्कुल मिथ है कि चलो धूप है तो पानी पिला दे, यू शुड अवॉइड दैट। कोई कर भी रहा है उसको भी मना ना करिए। नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट जो है कि कई लोग बोलते हैं बेबी को होल्ड करेंगे ना ज़्यादा देर तक तो बेबी स्पॉइल हो जाएगा, या फिर बेबी को रोने दो उसकी लंग्स की जो नलियाँ हैं वो खुल जाएंगी, जितना रोएगा उतना बेटर है, उसकी ऑर्गन्स बड़े हो रहे हैं। गाइज दिस इज टोटली द मिथ, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। आप लोगों ने इतना वेट किया अपने बेबी का, 9 मंथ तक यू हैव कैरिड योर बेबी इन योर टमी एंड स्टिल यू आर सेइंग कि चलो इसको रोने दो, हाउ कैन इट इट इज़ पॉसिबल गाइज। मैं तो बिल्कुल भी अपनी बेबी को रोता हुआ नहीं देख सकती। तो अगर आप लोगों को कोई बोले कि बच्चे को रोने दो इट्स ओके, नहीं ऐसा नहीं होता, उसको कोई रीज़न है, दैट्स वाई ही इज़ क्राइंग। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही रो रहा है, तो फाइंड आउट द रीज़न, ट्राई टू सॉर्ट आउट व्हाट व्हाई ही इज़ क्राइंग, और फिर उसको चुप करिए, उसको काम डाउन करिए। द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़ काम योर बेबी डाउन, क्योंकि रोने से उसका बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो रहा है, वो बहुत छोटा है, उसको बिल्कुल भी यू नो उसके पेट में हवा जा रही है, इनडायरेक्ट वे में उसको कॉलिक की प्रॉब्लम हो रही है, तो रोना इज़ अवॉइडेबल करिए। एक उसका अपने आप में बच्चा रोने का एक कम्युनिकेशन होता है जो आपको, जिसके थ्रू, रोने के थ्रू ही वो आपको सारी बातें बता सकता है। उसको भूख लग रही है तो वो रोएगा, उसको कोई अनकंफर्टेबल हो रहा है, उसकी नापी गीली है, डायपर्स गीले हैं, देन ही विल क्राई एंड टेल यू इन दैट वे। और भूख का मैंने बताया, नींद आ रही है, स्टिल ही विल क्राई। मेरी बेबी अभी भी जो कई कई रीजन के वजह से क्राई करती है, वो जैसे जैसे आप पीरियड बढ़ता रहेगा अपने बेबी के साथ, आप अटैचमेंट देखेंगे बढ़ेगा आपका, तो आपको खुद उसके रीजन, उसके वे ऑफ क्राइंग में भी आपको डिफरेंस नज़र आएगा। हर चीज़ के लिए अलग तरीके से बच्चा रोता है। तो गाइज वो बेबी अगर कोई रो रहा है दैट इज़ बिकॉज ऑफ सम रीजंस ही इज़ नॉट कंफर्टेबल विद, तो गाइज उसको आप पहले सॉर्ट आउट करिए, ना कि उसको जस्ट रोने दीजिए। दीज आर ऑल ओल्ड वाइव कस्टम्स जो आपको नहीं फॉलो करने चाहिए। यू हैव टू लिसन टू योर हार्ट, क्योंकि कोई भी माँ बाप नहीं चाहता अपने बेबी को ऐसे रुलाना। आई थिंक आप लोग भी नहीं चाहते होंगे, तो प्लीज़ उसको बिल्कुल मत रुलाइए। इवन इफ़ यू वॉन्ट टू यूज़ अ पैसिफायर, यूज़ दैट, बट डोंट बेबी क्राई लाइक दैट। उसको कोई ऑर्गन्स बढ़ नहीं रहे हैं रोने से, हवा नहीं जा रही है उसके पेट में। अगर हवा जा रही है तो उसको कॉलिक ही होगा, उसको डाइजेशन में प्रॉब्लम ही होगी, और उसके अलावा कुछ नहीं होगा। सो दीज ऑल आर द 5 मिथ जो हम लोग बिल्कुल ब्लाइंड फोल्डेडली फॉलो करते हैं। हम लोग सुनते हैं उसको, कस्टम चला आ रहा है, हम लोग उसके डेप्थ में नहीं जाते हैं, उसको यू नो क्लियर करने की कोशिश नहीं करते हैं कि रीज़न क्या है जिसकी वजह से हम उस कस्टम्स को फॉलो कर रहे हैं। तो गाइज यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट ऑल्सो। आप पहले उसके बारे में रिसर्च करिए, नहीं मिलता तो कम टू दिस चैनल, आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग अबाउट मिथ्स एंड ट्रुथ्स। तो गाइज इस आज के इस टॉपिक पे मैंने 5 मिथ को बर्स्ट आउट किया। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इफ पसंद आया प्लीज़ गिव मत थम्स अप, और गाइज शेयर करना जरूर, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा इस वीडियो को। आई एम प्रॉमिसिंग अ लॉट। तो गाइज टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।